उसको पेमेंट करने को आ गया, मतलब मेरा ये एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो अगर मेरा ऐसा कोई एक्स्ट्रा लॉस होता है तो लॉस इज डेबिटेड, डेबिटेड टू पीएनएल, पीएनएल के बदले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा यू में से लॉस या यू में से एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया फॉर पेइंग ऑफ दिस डिविडेंड। सो प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपने बैलेंस शीट में कहीं पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था। अगर इन केस आपके लायबिलिटी साइड पर आपको दिख रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड तो आप उसको डेबिट करो, क्योंकि वो क्रेडिट था तो उसको डेबिट करो, जीरो हो जाएगा। बट वैसा नहीं होता, जनरली इट इज गिवन इन द नोट्स एंड नोट्स अकाउंट्स में उसका कोई लेजर नहीं होता। तो अगर उसका कोई लेजर नहीं और आप अलग से लेजर क्रिएट करोगे तो फिर उसको डालोगे किधर? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस और एक्स्ट्रा एक्सपेंस, सो वो अपन डालेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो यहाँ पे अपना कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ अपना ट्रांसफ़र, सेकेंड हुआ अपना रिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन ऑफ असेट, थर्ड आपका हो गया सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट एट प्रॉफिट, फोर्थ आपका हो गया सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब बाहर वाले लोग भी अपना थोड़ा ऐसे दर्द समझ के थोड़ा अपने साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर रहे हैं, फिफ्थ हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड, अगेन ओनर्स हैव टू वेव ऑफ और इधर द पेमेंट इज मेड। सो यहाँ पे आपका जो भी कैपिटल रिडक्शन के साथ जहाँ से भी मेरे को क्रिएट हो सकता था वो मैंने कर लिया। हाँ, यहाँ पे अपना थोड़ा यूटिलाइज भी हुआ है, बट मोस्टली सब जगह पे जहाँ पे मेरा बेनिफिट्स और गेन्स हो रहा था वहाँ पे मैंने वो क्रिएट किया। सो ये चार मेथड से क्या हुआ, फर्स्ट कौन सा था ऑल्टरेशन, सेकेंड कौन सा हुआ वेरिएशन, थर्ड रिडक्शन, फोर्थ कॉम्प्रोमाइज। यू नीड नॉट रिमेंबर द नेम्स, आपको वैसा नहीं आएगा कि ये मेथड कौन से अंदर आता है या ये स्कीम किसके अंदर आता है, बट स्टिल यू शुड हैव नॉलेज कि अपन कर क्या रहे। सो ये चार के वजह से अपन ने देख लिया कि कहाँ कहाँ मैं अपना पोजिशन थोड़ा सा अच्छा कर सकती हूँ, एंड इसके बाद अपन स्टडी करेंगे कि कहाँ पे अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके पहले ये वाला कॉपी करो। अभी देखो ये चार मेथड्स हो गया, उसके बाद आपका आएगा यूटिलाइजेशन। अब तक तो हम बोले थे ये कैपिटल रिडक्शन में डालते जाओ, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में डालते जाओ, मतलब सब जगह से निकाल निकाल के सबके राइट्स कम कर करके अपना बेनिफिट क्रिएट किया। वो बेनिफिट क्रिएट क्यों करते हो, ताकि जहाँ पे भी मेरा लॉस हो रहा है या असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है या जहाँ पे भी उसका ज़रूरत पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का, वहाँ पे मैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन। अभी देखो यूटिलाइजेशन में कहाँ पे आप सबसे पहले यूटिलाइजेशन कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अपना असेट का रिवैल्यूएशन होके वो बढ़ा, वैसे कम भी हो सकता है। सो फर्स्ट आई वुड राइट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, असेट में इट इज़ नॉट लाइक फिक्स असेट्स, उसमें स्टॉक का भी होता है कभी कभी, मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, सो मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं। इट इज़ नेसेसरी कि जब भी आपका इन्वेस्टमेंट हो तभी उसको मार्केट वैल्यू पे लेके आ जाओ। सो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट में आएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में कैसे आएगा कि मतलब समझ लो कि वो असेट का वैल्यू कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन और आई वुड से डिक्रीज इन वैल्यू, क्योंकि अगर स्टॉक का हुआ तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड डेप्रिसिएशन, आई वुड से डिक्रीज इन वैल्यू रिवैल्यूएशन ऑफ। अभी देखो Whenever in investment, अगर आपको market value दिया हुआ है you have to make your asset to the same as market value, मतलब अगर investment बोल रहा है books में 50 और market value दिया है 60 तो बढ़ जाएगा 10,000। तो अपना ने जैसे बोला था appreciation asset account debit to capital reduction, बट अगर दिया है 50 और market value हो गया 30
मतलब 20,000 से वो कम हो गया। अगर असेट कम होता है मतलब डिक्रीज होता है तो असेट अकाउंट का डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट काट नहीं सकते आप बुक्स में, सो यू हैव टू डू डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसा नहीं कि आप उसको काट दिया और लिख दिया जो अपन नॉर्मल सम्स में करते हैं, बट अकाउंट्स में वैसा नहीं होता। सो जो डेबिट वाला बैलेंस है उसको क्रेडिट करो क्योंकि उसको कम करना है, और डेबिट कर दोगे आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से आप यूटिलाइजेशन करना चालू हुआ।